हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में रिज गैबा टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रिज गैबा टैबलेट का मेनली यूज़ न्यूरोपैथिक पेन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी की यह 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 180 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। रिज गैबा टैबलेट में प्रीगाबालिन IP 75 mg, मिथेल कोबेलामाइन IP 1500 mcg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद प्रीगाबालिन यह एक α2-डेल्टा लिगेंट है जो तांत्रिक कोशिकाओं के कैल्शियम चैनल की गतिविधि को मॉड्यूलेट करके दर्द को कम करता है। इसमें मौजूद मिथेल कोबालामाइन यह एक विटामिन बी का रूप है जो माइलिन के उत्पादन में मदद करता है। यह नर्व फाइबर की रक्षा करता है और डैमेज तांत्रिक कोशिकाओं को दोबारा बनाता है। बात करते इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन की समस्या दूर करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम नसों में दर्द की समस्या भी कहते हैं। इसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या में व्यक्ति के चेहरों के नसों में दर्द होने की समस्या उत्पन्न होती है। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस समस्या में डायबिटीज पेशेंट के हाथों पैरों में दर्द एवं सूजन की समस्या हो जाती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल फाइब्रोमाइलेजिया की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस समस्या में व्यक्ति को मस्कुलर और हड्डियों में दर्द होने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे मिर्गी की समस्या, घबराहट, चिंता की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अल्कोहल का कंज्यूम करता है और उसने अचानक अल्कोहल छोड़ दिया है तो उस वजह से उसके बॉडी में दर्द होने की समस्या उत्पन्न होती है। उस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेज के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से अपने घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कई बार डॉक्टर इसे 10 से 15 दिनों के लिए भी आपको लेने की एडवाइस देते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द, थकान, अपचन ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माई फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।